Hello students, this is from TSA. So students, we'll start our new chapter. ठीक है, आपका new chapter है accessories of windows. So students, आप सब ने अपने घर में कभी life में आपने मतलब हम computer आजकल हम इस्तेमाल करते ही हैं, है ना? और हमारे computer में हमें पता चलता भी है कि हमें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों के वर्ड्स पता नहीं होते. हमें ये नहीं पता होता कि उनको डिफाइन कैसे कर रखा है या उनके नाम क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंप्यूटर में हर चीज़ का एक नाम होता है, राइट? तो अब स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे जो चैप्टर है उसका नाम है एसेसरीज ऑफ विंडोज. अब स्टूडेंट्स, एसेसरीज आप किस वे में डिफाइन करेंगे? नॉर्मली हम डेली वेयर में यूज़ भी करते हैं कि हमें इस चीज़ के साथ एसेसरीज नहीं मिली है. ठीक है, हमें ये चीज़ थी तो इसके साथ और भी एक्स्ट्रा एसेसरीज थी. तो स्टूडेंट्स, एसेसरीज एज अ वर्ड क्या हुआ? एसेसरीज क्या होती है स्टूडेंट्स? जो एक्चुअल में हमारी बाद में हमारे को एक्स्ट्रा चीज़ें जो मिलती हैं, राइट? या हमारी जो चीज़ें होती हैं उस मतलब जो हमने कोई चीज़ ली है उस चीज़ के साथ हमें मिल रही है. सपोज आप अगर बाईसाइकिल लेते हैं, राइट? तो बाईसाइकिल के ऊपर अगर आप नॉर्मल साइकिल लेते हैं या हम ले ले हाँ ठीक है, अगर आपने नॉर्मल साइकिल लिया, आज के दिनों में आप साइकिल लेते हैं तो साइकिल में आपको अलग से एसेसरीज भी मिलती है कि आपको कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है ना. आपकी एसेसरीज इन द सेंस क्या हो गया, मतलब बाईसाइकिल के साथ आपको क्या बोलते हैं, कैरियर आता है ना, कैरियर लगाना होता है. या तो बाईसाइकिल के पीछे एक जो अपना बैक कैरियर होता है वो एसेसरी आती है. उसके बाद आपको बॉटल रखने के लिए भी एक एसेसरी आती है कि हाँ ठीक है, हमें ये बॉटल को लगाने के लिए एक चीज़ ये चाहिए, राइट? तो इस तरह से हमारी एसेसरीज आती है, राइट? अब सपोज आपने कोई कार खरीदी, ठीक है, आपके घर में जब भी न्यू कार आई होगी या न्यू बाइक आई होगी तो स्टूडेंट्स उसमें भी आपका क्या है, एसेसरीज हैं. अब एसेसरीज क्या होती है स्टूडेंट्स, एसेसरीज कैसे, अब आपको एक्स्ट्रा चीज़ें उसके साथ मिल रही है, राइट? अगर आपने जैसे कार ली है तो कार में आपकी एसेसरीज क्या हो गई, सपोज आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया, ठीक है, एसी हो गया, ये एसेसरीज है. हम कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि इसके साथ ये एसेसरीज मिलेंगी, राइट? तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एसेसरीज होती है. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या, एसेसरीज ऑफ विंडोज. अब एसेसरीज ऑफ विंडोज मतलब क्या होता है? अब एसेसरीज ऑब्वियसली मैंने आपको जो है मीनिंग बताया, एसेसरीज क्या है, ठीक है. तो एसेसरीज में जो हमारे पास आती हैं चीज़ें जो हमें एक्स्ट्रा मिलती है. अब विंडोज़ में हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है स्टूडेंट्स, विंडोज़ में जो हमें एक्स्ट्रा मिलता है वो चीज़ क्या हो गई है स्टूडेंट्स, सपोज़ आपने न्यू लैपटॉप लिया या न्यू कंप्यूटर लिया, तो न्यू लैपटॉप और न्यू कंप्यूटर में आपको आई थिंक एसेसरीज मिलती है. एसेसरीज इन द सेंस विंडोज़ जो है आपका ओरिजिनली उसके अंदर इंस्टॉल्ड होता है, जो विंडोज़ उसके अंदर इंस्टॉल्ड होता है, इंस्टॉल्ड के साथ साथ आपका क्या रहता है, उसी के अंदर आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें मिल रही हैं, जैसे आपका मतलब प्रोग्राम्स वगैरह, आपका क्रोम वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी एडिशनली उसके अंदर आती है. जो चीज़ एडिशनली आपको मिल रही है वो चीज़ एसेसरीज कहलाती है, ठीक है. तो जो चीज़ यहाँ पे हमें मिल रही है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम बोलते हैं, लेकिन मोस्टली वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता नहीं है, ठीक है. बट जो एसेसरीज हमें उसमें मिल रही है वो चीज़ हमारी क्या है, मतलब जो चीज़ हमें एक्स्ट्रा मिल रही है वो हमारी एसेसरीज कहलाती है, ठीक है. फर्स्ट है अ सेट ऑफ यूजफुल प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद विंडोज़ 98. अब हमें क्या मिला है, सेट ऑफ यूजफुल प्रोग्राम्स. अब उसके अंदर प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड होते हैं. सपोज आप अगर अपने विंडोज़ ओपन करते हैं, आप अपना पीसी ओपन करते हैं, लैपटॉप ओपन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपको जैसे सपोज आप हम एक एप्लीकेशन ले लेते हैं पेंट, तो वो जो पेंट आपका बना है वो भी प्रोग्राम्स के थ्रू ही बना है, ठीक है. तो वो क्या है, प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं अलॉन्ग विद विंडोज 98 आर नोन एज एसेसरीज. विंडोज 98 के अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो विंडोज 98 में आपके प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है. तो वो सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, एसेसरीज. दीज इंक्लूड टेक्स्ट एडिटर्स. ये क्या इंक्लूड करती हैं, टेक्स्ट एडिटर्स. टेक्स्ट एडिटर्स मतलब जो हम चीज़ों को एडिट कर सके, टेक्स्ट को हम जो एडिट कर सकते हैं उसे हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं. कैलकुलेटर, आपका नॉर्मल कैलकुलेटर उसके अंदर रहता है, ठीक है. आप अगर प्रोग्राम्स स्टार्ट बटन में जाके प्रोग्राम्स में जाए तो वहाँ पे कैलकुलेटर रहता है. तो कैलकुलेटर क्या हुआ, आपका एक तरह की एसेसरीज हुई. क्यों, क्योंकि
चुकी है आपको वो प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है। एंटरटेनमेंट, अब स्टूडेंट्स अगर आपने मोस्टली देखा होगा आपके पीसी के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जैसे एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग रहती हैं, ठीक है, आपके वीडियोस वगैरह ये सब आपको पहले से ही मिलते हैं, कुछ आपके प्री इंस्टॉल्ड उसके अंदर रहते ही हैं, आप चाहे उन्हें कितना भी डिलीट कर लें वो चीज़ नहीं हट सकती। एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास मोस्टली आपका जो है इंस्टॉल्ड पहले से ही इसके अंदर रहता है। सिस्टम टूल्स, प्रोग्राम्स में आपके सिस्टम टूल्स आते हैं कि कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है आपका नोटपैड। नोटपैड स्टूडेंट्स आपने वाइट कलर का एक देखा होगा, अगर आप नोटपैड पे क्लिक करते हैं तो एक वाइट कलर की विंडो ओपन होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग सेट ऑफ प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। पेंट, मोस्टली सबने पेंट इस्तेमाल किया होगा, जो पेंट रहता है वो पेंट किस लिए रहता है स्टूडेंट, हम वहाँ पे उस पर ड्रॉइंग कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से हम उसमें अपनी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। वर्ड पैड, वर्ड पैड क्या होता है, वर्ड पैड भी एक एडिट लिख मतलब हम लिखते हैं उस पर और उसको हम अपने अकॉर्डिंग एडिट करते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम्स जो होते हैं हम अपने अकॉर्डिंग एडिट करते हैं, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एसेसरी, स्टूडेंट आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, आपने स्टार्ट बटन गए प्रोग्राम्स में जा करके ये सारी दिख रही हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है एसेसरीज और उसके बाद आपको बाकी एसेसरीज उसमें शो होती हैं, ठीक है। हम फर्स्ट लेंगे गेम्स, सबको पता है गेम्स प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, गेम्स में हम जाते हैं आपका सॉलिटेयर आता है, चेस आता है, ये सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड होती है। टू प्ले गेम्स इन कंप्यूटर दिस एप्लीकेशन इज यूज, हम जब कंप्यूटर में गेम खेलते हैं तो उसमें क्या एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है। स्टेप्स टू ओपन गेम्स, अब आपके स्टेप्स क्या हैं गेम्स ओपन करने के लिए, ओपन दी एसेसरीज प्रोग्राम ऑफ विंडोज 98, जब हमारा विंडोज ओपन होता है तो वहाँ पे क्या होता है स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन में हमारे वहाँ पे क्या होता है प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम्स एक ऑप्शन होता है उस पर हम क्लिक करते हैं तो एक और एक हमारी एक और विंडो ओपन होती है, ठीक है, ऑप्शन आता है नाउ मूव द पॉइंटर टू गेम्स ऑप्शन, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोग्राम्स में जाकर के आपको एक एसेसरीज का ऑप्शन आएगा, एसेसरीज को ऑप्शन आता है जैसे ही आप ओपन करते हैं तो वो एरो बटन रहता है, एरो बटन जो उसका शो कर रहा होता है तो वो तीसरा आपको चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, एक और उसमें विंडो अपियर होती है, वहाँ पे आपको गेम्स ऑप्शन आता है, गेम्स ऑप्शन में आपको एरो होता है, वहाँ पे आपको और भी गेम्स वहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। अब सपोज आपको यहाँ दे रखा है थर्ड स्टेप क्या है, यू आर नाउ रेडी टू प्ले डिफरेंट गेम्स ऑफ योर चॉइस, अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी गेम खेल सकते हैं, ये आपको विंडो दे रखी है एक ओपन हुई है, ये है आपका सॉलिटेयर, अब सबको पता है यहाँ पे सॉलिटेयर हम खेल सकते हैं, ठीक है, थीके? जो हम आम भाषा में बोलते हैं ताश के पत्तों वाला गेम, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम खेल सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज हमने एसेसरीज के बारे में पढ़ा है और आज हमने एसेसरीज में एक चीज़ पढ़ी है वो है हमारा गेम्स, ठीक है। हम आपका ये चैप्टर अभी यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।